कि पहली बार अनुदेशकों के मुद्दे पर शासन और प्रशासन सकारात्मक रवैया रहा। और ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी जीत है अनुदेशकों की। ये जीत मतलब हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे इस बात का कि कभी हमारे पास ऐसा कुछ हो कि आश्वासन लेके आते हैं। आज लिखित में है, सबसे हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, बस मुंह जबानी हो जाती, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, हम कहाँ दिखाते, किसने कहा क्या हो जाएगा। और एक से महीने के अंदर कई मुद्दों पे शासनादेश जारी होगा, ऐसा हम लोग को बताया गया है। जो आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुंची और बात के 11 सूत्रीय मांग पत्र का समाधान हुआ, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और अटल न्यूज का भी और आपका भी, जिस प्रकार से 4 दिनों से आपका सहयोग और समर्थन रहा है, 11 ही मांगों पे सहमति है। योगी आदित्यनाथ जी से यही कहेंगे, रक्षाबंधन आ रहा है भैया, आप सिर्फ नियमितीकरण कर दीजिए, हम लोग सब खुश हो जाएंगे। जिस क्षण का, जिस घड़ी का हर एक अनुदेशक को इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है कार्यक्रम जारी करने के लिए। ये शिक्षक यहाँ पे 4 दिनों से बैठे हुए थे, आपने देखा किस तरह से बारिश हुई, धूप भी हुई, लेकिन ये शिक्षक यहाँ पे डटे रहे। और आप देख सकते हैं कि अब इन शिक्षकों को थोड़ा सा आश्वासन मिला है। इस बार आश्वासन ही नहीं, लोगों ने साफ तौर पे जैसे कह दिया था कि इस बार हम आश्वासन लेके नहीं जाएंगे, उसी तरह ठीक हुआ इन लोगों को, अब कार्यवृत्ति मिल गई। आप देख सकते हैं शिक्षकों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं और कार्यवृत्ति में किन किन चीजों पर सहमति बनी हुई है। हम लोग की कार्यवृत्ति जारी हो गई है, आप लोगों ने साफ तौर पे पहले ही कह दिया था जब तक जारी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, बुधवार से ये प्रकरण चलता चला आया और आज आखिरकार आप लोगों को सफलता मिली है, तो किन किन चीजों पे सहमति बनी है जी? जितनी भी हमारी 11 मांगे थी, 11 ही मांगों पे सहमति है। और जो मुख्यमंत्री स्तर की मांग थी, मुख्यमंत्री सर को जो करना था, उन्होंने उनसे भी वार्ता हुई है सर की, प्रमुख सचिव सर की, तो उन्होंने बोला है कि जो जब तक नियमितीकरण नहीं होता उसमें प्रक्रिया में समय लगेगा 3-4 माह का, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उससे पहले वो एक महीने बोला है, तो 1.5 महीने के अंदर समान कार्य समान वेतन और ये जारी कर देंगे। हाँ, और बाकी जो मांगे हैं हमारी, उन सभी पे जो भी महानिदेशक महोदय के द्वारा होनी थी वो सारी, ये उस पर उन्होंने विचार करने के लिए बोला है और यहाँ से सारे दस्तावेज हमारे जाएंगे। और ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी जीत है अनुदेशकों की। ये जीत मतलब हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे इस बात का कि कभी हमारे पास ऐसा कुछ हो कि आश्वासन लेके आते हैं, आज लिखित में है, अब कार्यवाही वहाँ से लिख के आई है कि इनको करनी है, तो मतलब लिखा हुआ है महानिदेशक द्वारा, इसका मतलब इनको यहाँ से कार्रवाई लिख करके भेजनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है अनुदेशकों के लिए, इसके लिए मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन सभी का बहुत धन्यवाद। तो हमारी सारी मांगों को माना गया है, अब बस ये है कि जितना समय लगता है दस्तावेज तैयार होने में, जितना बस उसी में जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हमारी सारी मांगों को जल्दी से जल्दी ऑन पेपर हो जाएंगी सारी। आपको उस वक्त कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग 4 दिन से यहाँ थे, एक बड़ी जीत मानी जा रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है इस समय? तो बस यही महसूस हो रहा है कि हम सातवें आसमान पर उड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब हमें वो जो परिणाम मिलता है वो यही मिलता है कि वाह, अब तो सब कुछ मिल ही गया। तो बस ये उसकी शुरुआत है, ये शुरुआत है उसकी, और अब हमें पूरा, क्योंकि अभी तक से हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, बस मुंह जबानी हो जाती, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, हम कहाँ दिखाते, किसने कहा क्या हो जाएगा, इसी चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे धूप बारिश सब में। अब ये कार्यवृत्ति हमारे हाथ में आ गई है, अब हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये लिखा है, ये हमारा आदेश जारी करना है और उसमें साफ लिखा है महानिदेशक द्वारा। अब बस उन्हें, अब जहाँ ये भी हम समझते हैं शासन प्रशासन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका विचार करना, लेटर बनाना, उसके बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, उसमें समय लगेगा। तो जिस बहुत सारी चीजें हैं, जो वित्त का मामला था, नियमितीकरण का मामला था, उसमें 2-4 महीने 6 महीने का समय लग सकता है, हम भी जानते हैं। बाकी जो महानिदेशक लेवल की जितनी भी चीजें हैं सब में आगे है विचाराधीन महानिदेशक द्वारा, तो महानिदेशक जहाँ तक है 1-2 महीने में उनके लेवल की जितनी चीजें वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। अब तो रास्ता एक खुल गया है देखा जाए तो, क्योंकि अभी तक तो चीजें नहीं क्लियर थी, लेकिन अब तो चीजें क्लियर हो गई। आप लोगों की जो 11 सूत्री मांगे थी उनके ऊपर कह दी गई हैं बातें, ऐसा कहा गया कि विचार किया जाएगा, और इस बार अब ऐसा कुछ है नहीं जिन पे कुछ रोक लगनी हो या जिन पे कोई कंफ्यूजन हो। तो आपको क्या लगता है लगभग कब तक चीजें जी? मैम, सर्वप्रथम तो आपको साधुवाद और धन्यवाद, जो आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुंची और बात के 11 सूत्रीय मांग पत्र का समाधान हुआ। और समाधान में जो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा बिंदु दिए गए हैं, उनमें सार्थक जवाब और पॉजिटिव सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी और 1-2 महीने के बाद जिस बिंदु पर जितना समय लगना है वो कार्यवाही माननीय महानिदेशक महोदय के द्वारा अमल में लाई जाएगी। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि हम अब सफलता के किनारे पर पहुंच गए हैं, अब रह गई बारी हमारी, तो हम लोग पैरवी के लिए बद्ध हैं और हमेशा हम सरकार का और मीडिया बंधुओं का, पुलिस प्रशासन का, सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जो आप लोगों के माध्यम से हम सफलता के अंतिम चरण में पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो अब आप लोगों का जो संघर्ष है वो सार्थक हुआ है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे थे और चार दिन बाद फाइनली आप लोगों के चेहरे पे हंसी है, खुशी है, आप लोग खुश अपने परिवार जा सकेंगे, आज त्योहार का दिन भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जीत मिली है हमको भी, छोटी मिली है, बस जल्दी जल्दी लागू हो जाए तो और अच्छी बात है। और अंतर जनपदीय जो ट्रांसफर है वो जो महिलाएं बहुत परेशान हैं, जैसे कि मैं देख ही होंगी आप, मैं दोनों बच्चों को लेके आ रही हूँ, तो अंतर जनपदीय जो ट्रांसफर है वो दिसंबर में बोला है और उसके लिए अगर यहाँ भागदौड़ करनी पड़ेगी वो सर करेंगे। और सेकंड चरण का ट्रांसफर वो भी महिलाएं बहुत परेशान हैं, वो 14 तारीख को हो जाएगा और हम योगी जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कहेंगे, खुशी है ना, तो मतलब तो बस यही कहना चाहेंगे कि रक्षाबंधन आ रहा है भैया। सबसे पहला वाला मुद्दा हमारा नियमितीकरण, केवल एक वही दवा है हम लोगों के लिए अच्छी, आप सिर्फ नियमितीकरण कर दीजिए, हम लोग सब खुश हो जाएंगे। आपकी बहन आपसे हाथ जोड़ के विनती करे, जैसे बहनों को आप फ्री किराया कर देते हैं ना बस में, वैसे ही हम सब बहनें आपसे यही आस लगाए हैं कि बस हाँ दुखों को फ्री कर दो, हमको नियमितीकरण की दवा दे दो भाई सर, सब कुछ हो जाएगा हम लोगों का। नमस्कार मैडम, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे अनुदेशकों ने चार दिन लगातार यहाँ बैठकर संगठन के प्रति और अपने नियमित के प्रति जो लगन मेहनत से यहाँ पर संघर्ष किया है, उसके लिए हम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। समस्त मीडिया कर्मी, समस्त प्रशासन के जो कर्मचारी थे उनको भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारे इस धरने को सफल बनाया और शासन ने हमारी मांगे के लिए कुछ समय मांगा है, जिसके लिए हम खुशी महसूस करते हैं कि हमें उम्मीद है कि आगे जल्दी हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। जी, आप लोगों को एक सफलता मिली और इस पूरी कार्यवृत्ति में क्या कुछ है, और जैसा आप लोगों ने हमारी कई डिबेट में भी आपने ये बात जारी की है, कई बार ये बात कही है कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे उनको तो हम मनवा के रहेंगे, आप कहा डिबेट में कहते थे 2027, अभी तो 2024 में ही चीजें हुई है, तो क्या कुछ नहीं। हम उत्तर प्रदेश शासन को, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को और अपने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर को, महानिदेशक मैडम कंचन वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं कि पहली बार अनुदेशकों के मुद्दे पर शासन और प्रशासन सकारात्मक रवैया रहा और पहली बार एक कागज हमें प्राप्त हुआ जिसके आधार पे हम अपनी आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। और हमें लगता है जिस प्रकार से शासन प्रशासन हमारे मुद्दे पर संवेदनशील है और जिस प्रकार से पॉजिटिव उस दिन वार्ता हुई, काफ़ी सफल सकारात्मक वार्ता हुई, कई मुद्दों पे सहमति बनी और एक से महीने के अंदर कई मुद्दों पे शासनादेश जारी होगा ऐसा हम लोग को बताया गया है, तो हम सभी को धन्यवाद देंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, पुलिस विभाग के लोगों को भी धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को भी और विशेषकर अटल न्यूज का धन्यवाद, अपने उन अनुदेशक साथियों का आभार धन्यवाद जो कि चार दिन से अपने इस धूप में, गर्मी में, बरसात में अपने परिवार को छोड़ के साथ रह रहे थे, विशेषकर इन महिला साथियों को, क्योंकि महिलाओं की कितनी समस्या होती है, चूँकि हमारा भी परिवार है, हमारी भी पत्नी है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम इस हमारी भी माता हैं, तो हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ कितनी समस्या होती है। और आज जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही थी, लग रहा था कि साँझ ईश्वर भी हम लोग की परीक्षा ले रहा, लेकिन कोई शुभ काम होने से पहले ये आप जानते हैं कि ये होता है, तो हम सभी को धन्यवाद देंगे कि जो लोग भी एक कदम भी हम लोग के लिए चले हैं उन सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और आपका भी जिस प्रकार से चार दिनों से आपका सहयोग और समर्थन रहा है, और भी जो मीडिया के लोग हैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे सभी शिक्षक खुश हैं, अनुदेशकों के लिए कह दिया गया है कि अब एक महीने के अंदर इनकी कई सारी जो समस्याएं उनको विचार किया जाएगा और समस्याओं का हल किया जाएगा। फिलहाल इन अनुदेशकों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, सभी काफी ज्यादा खुश हैं और सभी सरकार का धन्यवाद करें, इसी के साथ उन्हें उम्मीद है और इन्होंने सरकार से अपील भी की है कि इनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल कर दी जाएगी।